सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सच इंडिया न्यूज पर। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बलवान है तो समय है। अच्छे अच्छे बाहुबली भी समय के आगे घुटने टेक देते हैं या मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद की, जिनके नाम से इलाहाबाद में हर कोई व्यक्ति थर्राता था और कांपता था। डर ऐसा कि मानो कि कोई राक्षस आ गया। कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि अतीक के खिलाफ चला जाए। और 2012 में जब एक जुर्म के अध्याय की एक कड़ी जोड़ी गई, जी हाँ, राजू पाल हत्याकांड, वर्ष 2012 की मैं बात कर रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुखिया थे अखिलेश यादव। उस समय जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो 10 जजों ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया था और 11वें जज ने अतीक को जमानत दे दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर था जजों के मन में भी अतीक अहमद को लेकर। और उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, इससे कोई छुपा नहीं है। किसी से कुछ ऐसा नहीं था कि जो नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश में क्या होता था। और आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गुंडे, बदमाश, माफिया जिनके नाम से डरते हैं, तो उनके लिए जब उनपे कार्रवाई होती है या जब वो पुलिस पर हमला करते हैं या गोली चलाते हैं तो विपक्षी नेता क्या कहते हैं, वो भी आप भली भांति से जानते हैं। और नहीं जानते हैं, सुन लीजिए ओवैसी जी का ये भाषण। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे, बताओ बीजेपी वालों? जुनैद और नसीर को जिसने मारा, तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में या देश में ऐसे माफियाओं के साथ क्या होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है वो ठीक है, या माफियाओं को जेल में बिठाकर, जमानत देकर, गले में हार पहनाकर, चुनावी सीट देकर संसद में भेजना, विधानसभा में भेजना, ये सही है? जानना चाहता हूं आपकी राय। धन्यवाद। आप देख रहे थे सच इंडिया न्यूज। इसी तरह की खबर के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।